साइंस और जंग। पहले ज़माने में जंग मुखालिफ फौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। दपा इस प्रीण ज़माने में जंग उसका सो सा मुखालिफ फौज से जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला उस आसान था में उनकी हथियार भी पुराने तरह की और सीधे साधे होते थे। उन हथियार तो सा प्रीण ते बेस तुम सीधे साध तुम ऐसा खास मोहलिक कहें जीत उसकी होती थी। दपन जैनान उस जिसकी फौज तादाद और ताकत में बेहतर होती यम सज फौज ताकत तो तदाद में ज़्यादा आसान हथियारों को इस्तेमाल करने के मशक में ज़्यादा माहिर होती थी। बेम यम सज फौज हथियार इस्तेमाल करने में ज्यादा माहिर ऐसे आसान। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती। लेकिन इस अज जंग मॉडर्न दौर जंग यह जिस्मानी ताकत तो बहादुरी से जीत कह बल्कि साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर मुनसर होती है। बल्कि यह साइंस यम तुक तक ईजाद कर कह हथियार तमन पे मुनसर रूजम यह कह जाए तो गलत ना होगा। अगर यह वनो अगर यह वनो यह आ गलत कह मौजूदा दौर की जंग फौजों की नहीं मौजूदा दौर जंग अगर गए आज कुन तय दुनिया मे सचिन फौज इस पर डिपेंड करान ज्यादा कि बल्कि साइंस की जंग होगी। बल्कि सिक्या ऐसा है सिर्फ साइंस की जंग जिस मुल्क के पास ज्यादा मोहलिक हथियार हैं यस मुल्कस में ज्यादा मोहलिक हथियार आसन यस मुल्कस ज्यादा मोहलिक हथियार आसन वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है। सह एक दुई मुल्क शिकस्त दे सह एक दुई मुल्क असल पे हारनाएं।